तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से ट्रिक देखेंगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, प्रश्न पहला करते हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में, एक कितने दिन में जी, एक किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है ना। अब बी इसे 15 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। एक किसी कार्य को 10 दिन में और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब एक किसी कार्य को 10 दिन में और बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे सवाल के लिए ट्रिक क्या होता है। देखो ऐसे सवाल हम लोग करते हैं, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ठीक है ना। 2-3 बार बोलो, प्रैक्टिस कर लो। ऊपर गुणा होगा, ठीक है ना, तो 10 में 15 से गुणा करो, 10 × 15, ठीक है ना, क्योंकि 10 और 15 ऊपर होगा गुणे बटे नीचे जोड़, तो 10 + 15 नीचे क्या होगा, जोड़। तो देखो तो 10 × 15 ऊपर और नीचे देखो, 10 और 15 जोड़े 25 हो गया ना, बोलो। तो 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 25, ठीक है ना। फिर से देखो, 5 से 15 गया 3 बार में, तो क्या हुआ, 3 × 2 = 6, तो कितने दिन में दोनों मिलकर, 6 दिन में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। देखो ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है, एक किसी कार्य को 2 दिन में, एक किसी कार्य को 2 दिन में, बी से 4 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर क्या हो गुणा, तो 2 और 4 का गुणा करो, तो 2 × 4 बटे नीचे जोड़, तो 2 और 4 जोड़ो, दोनों जोड़ो, 6 हो गया ना, 4 × 2 = 6, तो 2 से कितनी बार में, 3 बार में, तो 4/3, तो 4/3 यहाँ पर देखो, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट ट्रिक्स लगाना है, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, 2-3 बार बोलो, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेले इसी कार्य को 12 दिन में, ए कितने दिन में, 6 दिन में, और बी कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो देखो तो 6 × 12 ऊपर हो गया ना, और नीचे जोड़, तो 12 में 6 जोड़ो, दोनों को ऐड करो, 18 हो गया ना, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो देखो 6 से 18 कितनी बार में, 3 बार में, अब 3 से 12 कितनी बार में, 4 बार में, तो 3 × 6 = 12 नहीं होता है, तो आप आंसर हो जाएगा 4 दिन। देखो यहाँ पे तो ए वाला करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे, एक किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है ना, एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में। ऐसा सवाल एक और था, लग रहा है रिपीट हो गया, चलो कर लेते हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 10 × 15 होगा ना, क्योंकि 10 में 15 से ऊपर गुणा होगा नीचे जोड़, तो 10 और 15 जोड़ो कितना होगा, 25 ना, बोलो। अब देखो 5 से 2 बार में, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 से 15 3 बार में, तो 3 × 2 = 6, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6। देखिए यहाँ पर ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ए बी तथा सी एक कार्य को 10, 15 तथा 18 दिन में अब समाप्त कर सकता है, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अंतर है, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, 10, 15, ठीक है ना, 18, ऐसे ऐसे वृत्त टाइप करके लिखना है, ठीक है ना। आखिर ऐसे क्यों लिखना, अभी बताता हूँ। देखो ऊपर तो गुणा होगा, तो ऊपर क्या, 10 × 15 × 18, और नीचे क्या होगा, जोड़, लेकिन कैसे जोड़ेंगे। देखो सबसे पहले 10 में 15 से गुणा करो, तो 10 × 15 अब जोड़ेंगे, अब प्लस, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखो, ऊपर तो गुणा हो गया, तो 10 में 15 से गुणा हो गया,
अब देखो, अब 15 में 18 से, तो 15 × 18 और फिर से प्लस, अब देखो 18 में 10 से, ऐसे आपको ऐसे ही गुणा करना है। अब 18 में 10 से, तो 18 × 10, देखो यहाँ पर अब ब्रीथ कंप्लीट हो गया ना, तो अब रुक जाना है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर है 10 × 15 × 18, ठीक है ना। नीचे क्या है देखिए, यहाँ पे 10 × 15, तो 10 × 15 प्लस 15 × 18 प्लस 18 × 10, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर 5 से देखो क्या कट रहा है, सबसे पहले देखो, तो 5 से 2 बार में गया, तो नीचे भी 5 से कटना चाहिए ना, तो 5 से 2 बार में, 3 बार में और फिर से ये 2 बार में, ठीक है ना। अरे 5 से देखो अब 3 से कट रहा है क्या, तो 3 से 5 बार में, तो 3 से देखो 5 बार में, ये 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऊपर देखो, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 × 5 × 18, नीचे क्या बचा, 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 6 = 18 प्लस 6 × 2 = 12, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर गुणा कर लो 5 × 2 = 10, और 10 में 18 से गुणा करो, तो 18 × 10 हो गया, ठीक है ना। और नीचे 12 × 18 = 30 हो गया, 30 × 10 = 40 हुआ कि नहीं, तो 0 से 0 कट गया, क्या बचा 18/4, ये देख 18/4 2 से काटो, तो 9/2, तो आंसर कितना होगा 9/2। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो ऐसे ही आपको करना है, सावधानी के साथ करना, तभी आंसर आएगा।